संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 647वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सीर गोवर्धन पहुंच रहे हैं। सीर गोवर्धन के इसी रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद रहेंगे और जो निरंजन दास जी महाराज हैं यहाँ के महंत, उनके साथ वो लंगर भी चखेंगे, संबोधित भी करेंगे। 1377 में रविदास जी महाराज का जन्म इसी वाराणसी के सीर गोवर्धन में हुआ था और तब से यहाँ उनके दर्शन से प्रभावित होकर, उनके विचारों से प्रभावित होकर, उनके आशीर्वचनों को लेकर राजा रजवाड़ों से लेकर आम लोगों तक एक लंबी फेरहिस्त है। पूरे दुनिया में इनके दर्शन को मानने वाले लोग हैं और यही वजह है कि माघी पूर्णिमा से दो दिन पहले एक मेले का यहाँ उत्सव का एक माहौल रहता है, मेले का माहौल रहता है और मेला ऐसा कि एक टेंट सिटी ही बस जाता है। अलग अलग राज्यों के लोग उस टेंट सिटी में अपना अपना टेंट लगा कर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दुनिया भर के कई देशों से यहाँ रविदासिया समुदाय के लोग पहुँचते हैं या वो लोग जो संत शिरोमणि के दर्शन से प्रभावित हैं वो लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से माघी पूर्णिमा का जो अवसर है वो एक पॉलिटिकल मोटिव को लेकर भी चर्चा में है, क्योंकि 50 से ऐसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, करीब करीब 55 से 58 सीटें हैं जो रविदासिया समुदाय के लोग जहां डिसाइसिव हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की कुछ सीटें, तो ये कुल मिलाकर 55 से 58 सीटें हैं। चूँकि जो दलितों में संत रविदास के दर्शन का प्रभाव है वो किसी से छिपा नहीं है और यही वजह है कि 2008 से, चूंकि 2008 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तब उन्होंने यहाँ एक सोने की पालकी, करीब करीब 130 किलो की सोने की वो पालकी थी, उसका उन्होंने एक लोकार्पण किया था। इसके अलावा करीब 30-35 किलो के सोने का यहाँ एक बहुत बड़ा दीपक है जिसमें प्रतिदिन 8 से 10 किलो घी लगता है और वो अखंड ज्योति जलते रहती है। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करने की और पिछले 4-5 सालों में तो बिल्कुल इस मंदिर को भव्यतम रूप दिया जा चुका है। मतलब काशी विश्वनाथ के बाद जो संत रविदास जी का जो मंदिर है ये दूसरा मंदिर है जो सोने से मुड़वाया गया है, यहाँ सोना चढ़ाया गया है। इसके अलावा मंदिर को भी बहुत सुंदर बनाया गया है। इस बार प्रधानमंत्री जी आएंगे तो वो 25 फीट की जो संत शिरोमणि की मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे, एक म्यूज़ियम की वो आधारशिला रखेंगे। साथ ही ये भी कोशिश होगी कि जो रविदासिया समुदाय के लोग हैं उन तक वो घर कर जाए, उनके दिलों में उतर जाए, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि ये संत शिरोमणि के ही दर्शन से वो आत्मसात किए हैं। तो माघी पूर्णिमा का एक अवसर रहता है जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं वो अपना आदर, अपनी श्रद्धांजलि गुरु के प्रति समर्पित करने का भाव रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रविदासिया समुदाय तक वो लोग पहुँच सकें इस बात की भी कोशिश होती है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँचे थे। उस चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तमाम लोग यहाँ पहुँच के मत्था टेक कर, लंगर चक्कर, एक रविदासिया समुदाय को संदेश देने की भी कोशिश हुई थी तमाम नेताओं की तरफ से कि वो उनके हितैषी हैं, उनके बारे में सोचते हैं। तो चूंकि मामला करीब करीब 5 दर्जन लोकसभा सीटों का है और ठीक चुनाव से पहले एक बार फिर से माघी पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचेंगे, रविदासिया समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। हालांकि ये बीजेपी का कहना है कि ये कोई पॉलिटिकल मोटिव के वजह से नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री जी यहाँ आते ही रहते हैं और इसके पहले भी 2-3 बार वो आ चुके हैं, लेकिन राजनीति में जो टाइमिंग है उसका बड़ा महत्व होता है। तो माघी पूर्णिमा का जो समय है वो लोकसभा चुनाव से पहले का समय है, चूँकि अब कुछ ही दिन बचे हैं जब चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करेगा और जो देश है वो चुनाव के मूड में, इलेक्शन मूड में चला जाएगा। तो एक बार फिर से देखना दिलचस्प होगा कि माघी पूर्णिमा के एक दिन पहले 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहाँ से क्या संदेश देते हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।